कहते हो यही खड़ी कर दूं, शोपीस लगा दे इसको। बीके भाई बीके, बाद में पूजा करेंगे। अरे वो फट जाएगा, अब हट जा, उठ जा। यो मेरे जिगर के, चलो कैसे आप सब, और आप देख रहे हैं आपका अपना गौरव जोन। तो अभी मैं सुबह सुबह गया था राइड पे, दिवाली के जैसे आज अगला दिन है। अभी हम जा रहे हैं गांव, सारे निकल रहे हैं। तो मम्मी और डैडी, डॉलर नहीं यार, डॉलर यहीं रहेगा। तो आप और डैडी जा रहे हो गाड़ी से, है ना। इस बार बहुत स्पेशल ये होने वाला है कि मैं अपनी हायाबुसा को लेके जा रहा हूँ गाँव, और वहाँ पे फन करेंगे, वहाँ पे रिएक्शंस लेंगे और कुछ यूनिक चीज ट्राई करेंगे कि गाँव में जो हायाबुसा से कर सकते हैं। तो मम्मी आप निकल रही हो? बिल्कुल, आप निकलो, मैं नहाने जा रहा हूँ। और मेरा सामान ये है, ये वाटर बैग है, ये मैं अपने हायाबुसा पे ले जाऊंगा। इस बैग में मैं अपना लैपटॉप ले आऊंगा, इतने में फाइल अपलोड कर रहा हूँ मेरे एडिटर के लिए। ब्रश कर दिया ना, इसने काम है झूठा कर दिया। ये जाले कुत्ते ब्रश करते हैं क्या कभी? कुत्ते ब्रश करते मेरा रखने के लिए। अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा कर ले। अरे गुस्सा नहीं, देखो देखो देखो, ब्रश करेगा ब्रश करेगा। यही है ना, जो मना करो वही करता है ज्यादा, है ना। देखो अब पागल हो गया ब्रश के पीछे, अभी ब्रश ही ब्रश ढूंढेगा। वहां रखा है ब्रश, इसकी नजर पड़ गई है। अब ये देखो नजर पूरी वहां है ब्रश पे, नहीं मिला वहां, हट जा। मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ, और अब निकलने की तैयारी करते हैं। तो डॉलर नहीं जा रहा हमारे साथ, तो डॉली बाय बेटी, लव यू, मिस करना मुझे। मैंने अपनी बाइक बाहर निकाल के ही रखी थी, तो मैं जाऊंगा भूसा से। डलवा लेता हूँ टंकी, फुल करवा लेता हूँ, पेट्रोल डलवा लेता हूँ। फुल कर दो भैया, तो अभी टंकी फुल करा लेता हूँ। तब भी मैं कहीं दूर जाता हूँ तो टंकी हमेशा फुल कराता हूँ, क्योंकि क्या पता आगे मिले ना मिले, और उसमें तो स्पीड डलता है, स्पीड हर जगह नहीं मिलता। तो 960 रुपये का पेट्रोल आ गया भाई, आधी टंकी हुई है 1000 रुपये में, तो सोचो। तो अभी मैं निकल गया हूँ हाथरस के लिए, और मैं अपने दादा दादी को मैं पहली बार अपनी भूसा दिखाऊंगा, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं कि उनका क्या रिएक्शन होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि उनको बैठा के चलाऊंगा इस बारी, बस वो थोड़े बड़े बूढ़े हैं तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा, धीरे चलानी पड़ेगी। तो मेरे मम्मी पापा करीब 1 घंटे पहले निकले थे, और वो शायद अब ताज एक्सप्रेस वे पे, मैं कोशिश करूँ उनको पकड़ लूँ और फिर साथ साथ चले। तो भाई बहुत टाइम बाद मैंने अपनी भूसा निकाली है, इसको निकालने का टाइम ही नहीं मिल पाता, इतनी बाइक है, इतनी कार चलाने वाला मैं अकेला। ओ रता रंगीन चोपर सकीना, मौसम बड़ा केंट हो रहा है केंट यार। मतलब सुपर बाइक मैंने ऑलमोस्ट सारी चला ली है, बट जो भूसा का चलाने का मजा है ना, मतलब क्या ही बोलूं, ये लैम्बोर्गिनी है बाइकों में कसम से। वाओ, और संडे राइड से अब मैं चालू करूंगा संडे राइड पे जाना, क्योंकि मेरे एक तो दोस्त बहुत कम है, बहुत लिमिटेड हो, मैं रखता भी नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि मेरे एक दो बंदे हों ग्रुप में, बस छोटा सा ग्रुप हो, शांत सा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतने ही ज़्यादा भसड़। कहावत तो सुनी होगी आपने, तो अब इसको थोड़ा सा खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं। ओ ये गई 200 पे, ओ 210, ओ 220, ओ 230, 40, ओ भाई मजा आ गया यार। इतनी मतलब हल्का सा टच करा ही नहीं कि इतनी हाई स्पीड में, बस एक देखने के लिए कि मैं कितना एक्सट्रीम इसको चला सकता हूँ। तो मैक्सिमम मैंने 250 तक टच कर दी, काफी मजा आया यार। ओ मैं आकाश को मिस कर रहा हूँ, काश वो भी साथ होता। ओ ओ ओ हेलमेट उड़ा, हाई स्पीड में ऐसी फील आती है कि बस हेलमेट उड़ा। तो इसलिए महंगा हेलमेट प्रिफर कर रहा था सुपर बाइकों, क्योंकि हल्का हेलमेट 150 के बाद उड़ने लग जाता है, बिल्कुल सेफ नहीं होता हाई स्पीड में। तो ये देखो गाइस, ये जेवर का टोल है, और टाइम देखो कितना हो रहा है, और अब देखते हैं कि मथुरा टोल तक कितनी देर में पहुंचते हम। और ये आ गया मथुरा का टोल, हमने करीब ट्रैवल कर लिया है 25 से 30 मिनट में, जेवर से लेके मथुरा तक, मथुरा टोल तक हमने 25 या 30 मिनट में कवर कर लिया है, जो कि क्वाइट डिसेंट स्पीड है। तो डैडी और मम्मी मथुरा वाले टोल पार करके सीएनजी डलवा रहे हैं, तो सीएनजी, तो ये खड़ी है मम्मी, सीएनजी लाइन में लगी हुई है गाड़ी। हाँ मम्मी कैसे हो? तो मैं भी पेट्रोल डलवा लेता हूँ थोड़ा, इसकी आधी टंकी हो गई है, तो पेट्रोल देखते हैं कितना आ रहा है। ओए होए होए,
आते ही जा रहा है। तो 1000 रुपए का पेट्रोल आया, तो जहाँ से मेरा घर है और यहाँ पे मतलब मथुरा के टोल तक मेरा 1000 रुपए का पेट्रोल लग गया है करीब। तो देखो कितना, मतलब कितने का एवरेज दे रही है, 13 का एवरेज दे रही है। बाप रे, चलो 13 ठीक है, क्वाइट डिसेंट है। तो मम्मी को बैठा के चलाएंगे, चले डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, अब तो आदत पड़ गई। अच्छा वाह, आदत पड़ गई। जवाब भी देखो भैंस क्या। तो मैंने इतनी बड़ी बाइक तो ले ली है, बट मेरे जो गियर्स है इसके मुकाबले के नहीं है, मेरे पे बहुत थर्ड ग्रेड गियर्स है। तो मेरे को अभी दिल्ली आके गियर्स कलेक्ट करने हैं। तो मैं सोच रहा हूँ डाइनीजी के पूरा गियर्स लूँ, और हेलमेट मैं सोच रहा हूँ वैनम लूँ या जोकर लूँ। एक बारी कमेंट करके बताना कि मेरे को हेलमेट कौन सा लेना चाहिए, वैनम लेना चाहिए या जोकर लेना चाहिए। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एकदम प्रीमियम अपना वो गियर्स का कलेक्शन बनाऊँ, ताकि लगे ना भाई कोई जा रहा भूसा पे बहस क्या। तो अभी हम आ गए अपने गांव में और बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, ये देखो। आओ, तो मैंने अपने हाथ को उधर कोने में खड़ी कर रखी है, वो देखो हो रही। और यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, पता नहीं सुबह से बारिश आ रही है ऐसा क्यों। तो हमारे गांव में थोड़ी लाइट कम आती है, तो आया मुझे लाइट दे देते हैं थोड़ी। भीगे भाई भीगे, बाद में पूजा करेंगे। तो भाई बाइक कैसी लगी? सारे बैठ के बाइक ही देख रहे हैं, सुबह चलाएंगे इसको, निकालेंगे सुबह। ओके भाई, ठीक है। तभी हो रही है गोवर्धन पूजा चालू, तो कुछ शॉट्स देखो आके, फिर पटाखे फोड़ते हैं। अरे वो फट जाएगा, अब So, ये देखो भाई पूरा फट गया, पूरा फैल गया। मैंने इसके मुंह पे मुंह रख के फोड़ दिया था। तो जब भी यहाँ पे कोई वो ये बनता है तो इसके मुंह पे बम रख के फोड़ देता है, तो पूरा ये फैल जाता है। बाकी ये कुछ सब्सक्राइबर्स है, हेलो तो बोल दो ये। मजा नहीं आया इसमें। सो अभी हो गया डिनर का टाइम, और खाने में बता दो क्या क्या है। ये पूड़ी है, और ये आलू की सब्जी है, और ये खीर है। हैं? आलू गोभी। आलू गोभी बढ़िया गांव का है। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है। तो अभी हम सो के उठे, तो जलाते हैं लाइट। तो रात को मैं यहाँ सोया था फुल एकदम। ठंड काफी है भाई यहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है। और अभी चलते हैं बाहर, मैं आपको दिखाता हूँ हायाबूसा कहाँ खड़ी है मेरी। ये अम्मा है, नमस्ते अम्मा। अभी आपको थोड़ा खेत दिखाता हूँ, हमारे घर में जो खेत है अंदर ही। ये एक छोटा सा गार्डन एरिया बोल लो या छोटा सा खेत, या धनिया पुदीना सब अपन यहीं उगाते हैं। आलू आलू छोटे से, थोड़े फल वहाँ पपीते वपीते के फल हैं, उस साइड फल दिखाऊंगा। तो गांव में हमारी यही है, घर के अंदर ही उगाते हैं और घर के अंदर ही खाते हैं। ये देखो ये आम का पेड़ है, जूम करके दिखाऊं, ये बेल पत्र आते हैं इस पे। तो ये गाय भैंसों का एरिया है। गुड मॉर्निंग गाय भैंसों। अभी बज रहे हैं सुबह के 10। एक्चुअली गांव में लोग जल्दी उठ जाते हैं, मैं रात को 8 बजे सोया, बट दिल्ली वाली आदत है साला 10 बजे उठाई, मारा 6 बजे उठा ही नहीं गया उससे। तो वहाँ पूरे घर वर थे हमारे, और यहाँ पे थोड़ा नहाने वाने का एरिया, मंदिर है। तो मेरी भूसा ये खड़ी है, रात को मैंने यही खड़ी कर दी थी बारिश में। ये बाबा, नमस्ते बाबा, क्या हाल है। तो अभी भूसा क्या है, गंदी हो रखी है, ये देखो कितनी गंदी हो रखी है। तो इसको अभी साफ करेंगे हम अभी। मेरा दोस्त है, ये बगल में 4 घर छोड़ के रहता है कि नहीं। तो अभी हम दिखा रहे हैं, एक्चुअली क्या है, ये गांव सारा हमारे परिवार का ही है, कि परदादा के सारे बेटे रहते हैं, एक घर बगल में एक घर, ऐसे कर करके। तो हमारा कोने वाला वो था मेरे दादा का, और ये इसका है ना जी, भाई परदादा एक ही है अपने लेके। हाँ, बिल्कुल एक ही है ना, बिल्कुल भाई। मोटरसाइकिल बहुत आदमी आए, दूर दूर गाँव गाँव से आ रहे हैं। तीन ऐसा है, जब से मैं बाइक लाया हूँ दूर दूर के गांव वाले आ रहे हैं, हर मिनट में आते हैं, जैसे शादी में आते हैं ना, मतलब मिलने आते हैं और ये आते हैं। तो हर सेकंड में कोई ना कोई, कहाँ से आए हो भाई? अच्छा गांव की बाइक देखने आए हो। हल्ला हो गया गांव में क्या? हाँ, हो गया।
क्या कहते हो, यही खड़ी कर दूं? शोपीस लगा दे इसको। हाँ इसको यही लोग देखने आया करेंगे। हाँ। म्यूजियम बना दे। ये देखो एक और आए हैं बाइक देखने। बाइक देखने आओ। क्या बात है। हाँ वीडियो बना रहे हैं। क्या बात है। तो मैं नहा लिया, मेरी हायाबुसा भी नहा ली, पूरा इसको मैंने साफ करा तो पूरी कीचड़ में हो गई थी। तो दिल्ली आते मेरे को इसकी सिरेमिक कोटिंग करानी है और एग्जॉस्ट बदलना है, तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा कैसे कैसे करूंगा मैं इसका काम। बट क्या लग रही है बॉस, एकदम सुपर सेक्सी। व्हाइट और ब्लैक में ये फर्क है कि ब्लैक में आपको फीचर्स नहीं दिख पाते, व्हाइट में आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर पिछवाड़ा तक एक एक समझ आता है। ये मेरा खाना रखा है खाट पे, अभी गाँव में खाना खा के फिर मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा। तो मम्मी बना रही है अंदर खाना, क्या बना रही हो? मैं तेरे लिए देख आलू के पराठे मक्खन रखे हैं जो ताई जी ने बनाया। अच्छा, था आज से। हाँ, आलू के पराठे गर्मा गर्म। हाँ, और रायता बनाया तेरे लिए मैंने जो तू पसंद करता है। हाँ। सही है। तो मम्मी को भी ट्रैक सूट पहना रखा है मैंने पूरा। ट्रैक सूट बनवा गया, रोटी बना रहा। और मैंने भी ट्रैक सूट पहना हुआ है पूरा। ये वाला ये रणवीर सिंह एडिशन है, रणवीर सिंह ने इसकी लॉन्च करी थी अगर आपको पता नहीं, एडिडास ओरिजिनल में। तो ये अपना खाना, तो ये पराठा छाछ और मक्खन। और ये हमारे पेड़ हैं, कितने साल पहले लगाए थे हमने? ये हो गए भाई 5 साल बुढ़ापे का सहारा है। अच्छा। का पेड़ बताओ फटाफट ऑडियंस को। ये सागवान है मलेशियन। अच्छा ये पेड़ जो है। हाँ ये पेड़ आता है, इतना बड़ा लेके आए थे मैं एक फीट। हाँ मेरे सामने जब मैं 12th में था शायद। और ये एक पेड़ बिकता है 75,000 रुपए का आज की डेट में। अच्छा 15 साल बाद। तो ये है टोटल 105 पेड़। अब इसको बड़ा होने में कितने 10 साल लगेंगे? अरे 6 साल तो हो गए, 10 साल की बात हो रहा है। सो आई विल बी करोड़पति वेरी सून। तो वैसे अभी हमने टोटल लगाए हैं 100 पेड़ लगाए हैं ना? 105। हाँ। तो 75,000 इनटू 105 कर लो तो 10 साल बाद हमें इतने पैसे यहाँ से मिलेंगे। तो 1,00,000 रुपए का बिकेगा। हाँ तब तो और महंगा हो जाएगा, 1,00,000 का मान के चलो 1,00,000। ओ भाई 1 करोड़ बैठे बैठे। हाँ कितना मोटा है। तो इससे बनता क्या है वैसे? इससे सारा फर्नीचर बनता है। तो ये सारे सागवान इनसे फर्नीचर बनेगा। मैं जा रहा हूँ अपनी नानी के घर, नहा धो के तैयार हो गया, खाना खा लिया और अब इसको निकालेंगे पैडॉक स्टैंड को। ओह हो, बड़ी भारी बाइक है, इसको संभाल के करना पड़ता है। ओ, मजा आ रहा है भाई, आगे सारे लोग देख रहे हैं। भाई पूरी टेबल फुल है, पूरा मतलब